हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ पेटी कैश बुक, मतलब पेटी कैश बुक किस तरह से मेंटेन की जाती है, इसका सिस्टम क्या है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास एक होता है बिजनेस में हेड कैशियर, ठीक है। अब हेड कैशियर का क्या काम है, उसको सारी कैश की ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है। सारी कैश की जो ट्रांजेक्शन है वो उसके थ्रू की जाएंगी, मतलब किसी को भी पैसे का लेन देन करना है तो इसने करना है, चाहे वो परचेज की हो, चाहे सेल की हो, चाहे किसी को पेमेंट करनी हो, इंटरेस्ट पेमेंट करना हो या सैलरी पे करनी हो, वो सब कैशियर के थ्रू, हेड कैशियर के थ्रू जाती है। सो आपका जो हेड कैशियर है ये आपका एक, आप कह सकते हैं कि मेन पर्सन है जो कैश की ट्रांजेक्शन करेगा। अब कुछ ट्रांजेक्शन कैश की ऐसी होती है जो बहुत मंडेन होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, और वो बहुत सारी होंगी। जैसे कार्टेज पे कर रहे हो, 50 रुपीज का एक्सपेंडिचर है। अब जहां एक पर्सन आपने बिठा रखा है, थाउजेंड्स में डील कर रहा है, वहां छोटे छोटे अमाउंट्स जो बार बार आते जाएंगे उससे आप उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो आप एक उसके अंडर पर्सन बैठा देते हो जिसे हम कहते हैं पेटी कैशियर। पेटी कैशियर, पेटी का मतलब होता है छोटा मोटा। सो पेटी कैशियर का मतलब ऐसा कैशियर जो छोटे बहुत खर्चे करेगा। सो जो खर्चे आपके बिजनेस के लिए थोड़े कम हैं, छोटे हैं, उनके लिए आपने एक पेटी कैशियर बैठा दिया। अब पेटी कैशियर को अगर छोटे छोटे खर्चे करने हैं, जैसे कोई कस्टमर है या कोई सप्लायर आया, उसको चाय पिला दी, उस पर खर्चा हो गया, ठीक है। सामान आया, आपको कार्टेज पे करनी है। स्टेशनरी खत्म हो रही है आपके ऑफिस में, स्टोर्स में, कुछ लिखने के लिए तो पेन पेंसिल स्टेशनरी मंगा ली, छोटी मोटी रिपेयर का काम करा लिया, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे खर्चे करने के लिए जब आपने एक पेटी कैशियर रखा हुआ है तो अब उसको पैसा तो चाहिए। अब ये सिस्टम कैसे बैठेगा, उसको पैसा कौन देगा, फिर वो पैसे का हिसाब किताब किसे देगा। तो क्योंकि इसको हमने हेड कैशियर के अंडर रखा है तो हेड कैशियर इसको कैश पे करता है, ठीक है। अब कुछ कैश का अमाउंट, जैसे कुछ भी अमाउंट सेट हो जाता है, सपोज 1000 2000, तो मेन कैशियर जो है वो इस तरह के खर्चों का एक अंदाजा लगा लेता है, एस्टिमेट कर लेता है कि मे बी यू नो एक वीक में या फोर्टनाइट में आपका 1000 रुपीज का खर्चा हो जाता है, तो वो 1000 रुपीज उसको दे देता है कि अब ये छोटे छोटे खर्चे तुम्हें करने हैं। अब पेटी कैशियर ये छोटे छोटे खर्चों को करता है, उसका हिसाब रखता है, अब वो पेटी कैश बुक बना लेता है। पेटी कैश बुक क्या होती है ये मैं आगे एक वीडियो में इसका नेचर एक्सप्लेन करूंगी। एक स्टेटमेंट होती है, इट्स अ स्टेटमेंट, और यू कैन से समरी, ये एक समरी है एक्सपेंसेस की कि कितना पैसा मुझे मिला और मैंने क्या खर्चा किया। इसका एक्चुअल बुक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, ये मेन जर्नल का पार्ट होगी, ना ये मेन जर्नल एंट्रीज और लेजर का पार्ट होगी, ठीक है। सो अब ये जितने भी एक्सपेंसेस करेगा उसको समराइज्ड फॉर्म में लिख लेगा, जैसे हमने पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बनाया था। अब एंड में जो भी आपने अपना एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड की, ये फ्रीक्वेंसी वीक भी हो सकती है, ठीक है ना, फोर्टनाइटली भी हो सकती है, मतलब आफ्टर एवरी 2 वीक्स, मंथली भी हो सकती है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी डिसाइड की ये उसको स्टेटमेंट भेज देते हैं हेड कैशियर को कि देखो इतना खर्चा हो गया और इतना बैलेंस बच गया। लाइक जो हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाया था, तो जैसे इसमें है, अब ये वीकली बेसिस पे है, 10,000 मिल गया, समरी बना ली उसने और उसने कह दिया ये देखो 4,540 बच गए, ठीक है, खर्चा हो गया अराउंड 5,000 प्लस में। अब उसके बाद हेड कैशियर उसको नेक्स्ट पीरियड के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए उसको फिर पैसे देगा और फिर खर्चा होता रहेगा। तो अब ये जो सिस्टम है, सिस्टम क्या है कि हेड कैशियर ने उसको पैसा देना है और उससे हिसाब किताब लेना है कि भैया कितना खर्चा हुआ, कितना बचा, फिर वो उसे पैसा देगा, फिर उससे हिसाब किताब लेगा, इसे सिस्टम कहते हैं। अब ये सिस्टम कैसे सेट होता है, इस सिस्टम को सेट करने के दो तरीके हैं। सिस्टम किस चीज का, याद रखो, पैसा देना और उससे हिसाब लेके फिर दोबारा पैसा देना और हिसाब लेना। अब इस सिस्टम के दो मेथड्स हैं, एक है सिंपल सिस्टम, सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, और दूसरा है इंप्रेस्ड सिस्टम, इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब इनमें डिफरेंस क्या है,
ये समझना पड़ेगा। सिंपल का मतलब है कि आपने सब चीजें बहुत सिंपल रखी हैं, पैसे दिए, हिसाब लिया, फिर आपने पैसे दिए, देखा, अंदाजा लगाया, ठीक है अब थोड़ा पैसे और दे दो, पैसे कम है, फिर उससे हिसाब किताब ले लिया, फिर नेक्स्ट वीक और पैसे दे दिए। तो आप एक सिंपल वे में क्या कर रहे हो कि जितनी भी आपके पास स्पेंडिंग की स्टेटमेंट आई उसके अकॉर्डिंगली हेड कैशियर एक अप्रोप्रिएट अमाउंट पेटी कैशियर को देता रहता है, ठीक है। सिंपल सिस्टम। इसमें क्या होता है, सम कैश इज प्रोवाइडेड टू पेटी कैशियर, ठीक है। आपने कुछ एस्टिमेट किया एज अ हेड कैशियर और कुछ पैसा उसको दे दिया कि ठीक है 1000 रुपीज तुम रखो और पेटी एक्सपेंसेस तुम करो, और वेन एवर द कैश इज स्पेंट, जितना पैसा आपने दिया वो जब खर्च हो जाता है, पेटी कैशियर सबमिट्स द स्टेटमेंट। तो पेटी कैशियर स्टेटमेंट को सबमिट कर देगा पेटी कैश एक्सपेंसेस की, और उसके बाद जो हेड कैशियर है उसको और पैसा दे दिया जाता है, तो वो उसको और पैसा दे देगा। देन ही इज प्रोवाइडेड विद फ्रेश कैश, मतलब और पैसा दिया जाएगा फॉर पेटी एक्सपेंसेस। तो इसमें कोई भी रूटीन या आप कहिए कोई सिस्टम सेट ही नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आपको एक ड्यूटी दे दे कि तुम्हें ये एक्सपेंसेस करने हैं, ठीक है। एज अ पर्सन आप अपने घर में, सपोज आप इसको एक बिजनेस की तरह लो, देयर आर मेनी एक्सपेंसेस विच वी डू एट होम, है ना। सो आपको एक सिस्टम नहीं बना रहे हो, आप एक सिंपल सी बात कहते हो कि देखो बेटे तुम्हारी ड्यूटी है ये चीजें तुम्हें लेके आनी है कि ये घर में होनी चाहिए। अब वो छोटे मोटे खर्चे आप करने लगते हो, आपको 1000 रुपीज दे दिए, जब पैसा खर्च हो गया उसके बाद आप जाके अपने फादर को बोल दोगे कि देखो ये पैसे स्पेंड हो गए हैं, वो आपको और दे देंगे। तो यहां पर कोई सिस्टम ही नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, ये पैसे रखो, जब खर्च हो जाएंगे मुझे बता दो कितने खर्च हुए, स्टेटमेंट दे दो, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। तो ये एक सिंपल सा स्टेट सिस्टम है, ठीक है। अब इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो हेड कैशियर है इसमें थोड़ा काम होता है। क्या है, नंबर वन, इन दिस सिस्टम जो हेड कैशियर है और जो बिजनेसमैन है मेक्स एन एस्टिमेट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस फॉर अ पीरियड। जैसे आप एक पीरियड फिक्स कर लेते हो कि वीकली इसको हम चेक करेंगे, ठीक है, या आप इसको फोर्टनाइटली सेट करना चाहते हो सिस्टम को। अब आप सिस्टम बना रहे हो, इम्प्रेस सिस्टम में क्या है, आप एक एस्टिमेट करते हो कि एक आपके पर्टिकुलर पीरियड में, आप वीकली बेसिस पे करो फोर्टनाइटली करो, कि इसमें इतना खर्चा होता है, ठीक है, उसका एस्टिमेट कर लिया। अकॉर्डिंगली कैश इज प्रोवाइडेड टू पेटी कैशियर, तो अब उसके अकॉर्डिंगली पेटी कैशियर को कैश दे दी जाती है फॉर पेटी एक्सपेंसेस, कि देखो नेक्स्ट वीक में और विद इन अ वीक हमारा 1000 का एक्सपेंडिचर होता है, सो यू कीप 1000 विद यू, या उससे थोड़ा ऊपर दे देती है बैलेंस करने के लिए कि कहीं कम ना पड़ जाए, ठीक है। तो अब कैश प्रोवाइड हो जाती है, अब पेटी कैशियर अपना स्पेंडिंग करता रहेगा, और अब ये रिव्यू होगा क्योंकि आपका सिस्टम एक पर्टिकुलर पीरियड का है, सो एट द एंड ऑफ द पीरियड, सो एंड में क्या होगा, पेटी कैशियर सबमिट द रिपोर्ट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस एंड, अब उसने रिपोर्ट दे दी, अब रिपोर्ट का सबमिशन हो रहा है, बता देगा कि देखो यहां यहां खर्चा हो गया। अब क्या होगा, पेटी कैशियर को आप कैश रीइंबर्स कर दोगे, पेटी कैशियर इज रीइंबर्स्ड। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है कि आप जो कमी हुई है पैसे में उसको पूरा करना, भाई मेरे से मेरा ये कम हो गया पैसा, इसको रीइंबर्स करो, मतलब इसकी भरपाई करो, इसको पूरा करो। तो उसने जितना एक्सपेंस कर दिया उससे पेटी कैश का बैलेंस कम हो गया, ठीक है ना। तो अब वो पैसा उसको रीइंबर्स किया जाएगा, पेटी कैशियर इज रीइंबर्स द कैश टू कीप पेटी कैश बैलेंस इंटैक्ट, ठीक है। तो अब आपको पेटी कैश का बैलेंस इंटैक्ट करना है, सो जो आपने पहले एस्टिमेट किया था इट इज केप्ट एज अ
पेटी कैश बैलेंस, आप ये मान के चलते हो कि इतना बैलेंस हमें पीरियोडिकली मेंटेन करना है। अब इस चीज को आप वर्किंग में समझो कि क्या होगा। जैसे सेम क्वेश्चन में ले रही हूं, तो इस क्वेश्चन में 10,000 रुपीज कैश ली, अब ये एक्सपेंसेस कर रहे हैं। अब सिंपल सिस्टम में क्या होगा, पेटी कैशियर ये स्पेंडिंग करता जाएगा, वो यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं खत्म करेगा, जब तक पैसे हैं चलता जाएगा, ठीक है। जब पैसे खर्च हो गए तो वो स्टेटमेंट बना देगा कि ये 10,000 आपने दिया था, अब ये खत्म हो गया, ये लो स्टेटमेंट। अब ये एक वीक में भी हो सकता है, 10 डेज में भी हो सकता है, 15 डेज में भी हो सकता है, 4 दिन में भी हो सकता है। तो वो स्टेटमेंट बना के कैशियर को या बिजनेसमैन को पकड़ा देगा कि ये रिस्टेटमेंट, ये खर्चे हो गए। उसके बाद जितना भी पीरियड हो फिर पैसा उसको दे दिया जाएगा। अब बिजनेसमैन की मर्जी है पेटी कैशियर को कितना पैसा देना है, या जो कैशियर है, हेड कैशियर जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो डिसाइड कर लेगा कि 10,000 रुपीज तो इसके 2 वीक्स में स्पेंड हुए, तो ठीक है मैं वीकली या मतलब 10 डेज के लिए मैं इतने पैसे और दे देता हूँ या थोड़े कम दे देता हूँ, अभी कैश कम है तो इसको अभी 5,000 पकड़ा दिए, देखो अभी 5,000 रखो, खर्चा करो, जब खत्म हो जाएगा बता देना। तो इसमें सिंपल सिस्टम में क्या है, बेसिकली कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। सो उसको आर्बिट्रेरिली पेटी कैशियर को सम कैश इज प्रोवाइडेड, उसको वो खर्चा करने को बोल देते हैं। अब जितना पैसा उसने खर्च कर लिया, जब खर्च हो जाएगा वो वापस आ जाएगा, उसको और पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज सिंपल सिस्टम। अब इम्प्रेस सिस्टम में क्या होगा, आपका जो पेटी कैशियर है उसको पैसा कैसे मिलेगा, एक पीरियड फिक्स हो जाएगा कि हम वीकली इसको रिव्यू करेंगे या हमें फोर्टनाइटली स्टेटमेंट या एवरी 10 डेज में स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली जो मेन कैशियर और बिजनेसमैन है वो एस्टिमेट करेगा कि 10 दिन में ये छोटी छोटी चीजों पे कितना खर्चा हो जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको कैश दे देंगे। सो ये कैश प्रोवाइड कर दी पीरियड के बिगनिंग में, अब वो स्पेंडिंग करेगा, अब उसे पैसा एंड तक नहीं वेट करना। अब जैसे ही पीरियड खत्म होगा, जैसे यहां पे 1 वीक है, तो जैसे ही 6th डेट आई, 6 दिन का पीरियड या 7 दिन का पीरियड खत्म हुआ, अब वो ये स्टेटमेंट लेके मेन कैशियर के पास चला जाएगा कि ये लो स्टेटमेंट, ये खर्चा हो गया। अब वो क्या करेगा, देखो 10,000 का हमारा एस्टिमेट था, 5,000 प्लस खर्चा हो गया, इतना बैलेंस बच गया। तो क्योंकि हमने बैलेंस मेंटेन करना है, तो अब जितना उसने स्पेंडिंग की है ये उसको और कैश दे देंगे। तो क्या करेंगे, इस सिस्टम में उसको जो स्पेंडिंग की है ना उतना पैसा और दे देंगे, इसे रिइंबर्समेंट कहते हैं, कि रिइंबर्स कर दिया, तुमने इतना खर्च कर दिया था ये तुम्हें वापस दे देते हैं। इस तरह से कि अब जो टोटल बैलेंस है वो पूरा 10,000 फिर से मेंटेन हो गया। तो इम्प्रेस सिस्टम में एक पीरियोडिक सिस्टम होता है पेटी कैश को मेंटेन करने का, नंबर टू उसमें एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है और पीरियड के एंड में वो अमाउंट रिइंबर्स किया जाता है, ठीक है। तो यही पॉइंट्स मैंने यहां डेफिनेशन में लिखे हैं कि इस सिस्टम में हेड कैशियर एक एस्टिमेट करता है कि कितना खर्चा होगा और उसको बैलेंस की तरह से मेंटेन किया जाता है। सो उसको पेटी कैशियर को कैश दे देते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, चाहे पूरा पैसा खर्चा है नहीं खर्चा है जितना भी है स्टेटमेंट बना के वो देगा। अब जितना एक्सपेंडिचर हुआ है वो रिइंबर्स होगा। इस तरह से रिइंबर्स करने कि पूरा बैलेंस एज इट इज मेंटेन हो जाए। तो रिइंबर्समेंट कितने के इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू पेटी एक्सपेंसेस, जितने एक्सपेंसेस किए ना वो सारा पैसा वापस उसको दे देते हैं कि इतना खर्च हो गया ये लो इतना, और अब वापस तुम्हारा बैलेंस 10,000 हो गया या 5,000 हो गया, नाउ यू कंटिन्यू। सो ये होता है हमारा इम्प्रेस्ड सिस्टम। इसकी डेफिनेशन अगर आपने लिखनी है तो एज इट इज यही डेफिनेशन है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट क्या है इस सिस्टम का, इस सिस्टम का सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि इसमें यू हैव नंबर 1 कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस, क्योंकि पीरियोडिकली आप एक्सपेंसेस को देख रहे हो, जो मेन कैशियर है वो हर वीक के बाद पेटी एक्सपेंसेस को देखता है कि इतने एक्सपेंसेस हो गए इस कैटेगरी में या इस तरह से हुए। तो अगर आपके कुछ कैटेगरीज में एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं या ओवरऑल एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो आप चेक लगा सकते हो कि ये कहां खर्चा ज्यादा हो रहा है, वहां पे कंट्रोल करेंगे। और ये वीकली है तो आपको रिजल्ट भी इजिली नजर आ जाएगा कि हाँ विद इन अ वीक आपने चेक किया, अब आप कंट्रोल कर रहे हो, तो विद इन अ वीक नेक्स्ट 2 वीक्स में आप क्या कॉस्ट को एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। बिजनेस में एक्सपेंसेस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि जितने एक्सपेंसेस कम होंगे प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, ठीक है ना। सो कंट्रोल कर लेते हो आप पेटी एक्सपेंसेस, जो सिंपल पेटी कैश में सिंपल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं है, वो 10 दिन में भी आ सकता है, 15 दिन में भी आ सकता है, 2 दिन में भी आ जाएगा कि एक्सपेंस हो गए, पैसा खर्च हो गया, ये लो स्टेटमेंट, मुझे और पैसे दो, ठीक है ना। वहां कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्योंकि पीरियड अलग है,
यहां तो आपको इजीली दिख रहा है, लास्ट वीक 5,000, नेक्स्ट वीक 6,000, इस वीक 7,000, अरे हर बार खर्चा बढ़ रहा है ना, तो दिख रहा है, पीरियोडिक दिख रहा है। वहां पे क्या है, पहले 10 दिन में खर्चा 7,000, नेक्स्ट थ्री डेज में अगर मान लो 4,000 खर्च हो गया। अब आप कहां मेजर करते रहोगे, और करोगे तो टाइम लगेगा, बट यहां ये फैसिलिटेशन है, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर फ्रॉड। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, पेटी एक्सपेंसेस में क्या है, छोटे छोटे फ्रॉड करना बहुत आसान होते हैं और वो नजर में नहीं आते हैं। जैसे आप मान लो आपने अपने किसी एम्प्लॉय को, या आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग गलत होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी हमारी माइंडसेट हो जाता है कि ये चलता है, इंडियन एटीट्यूड जो होता है ना हमारा, कि ये चल जाएगा, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो आप हो सकते हैं कि जो आपका एम्प्लॉय है या जो कोई एक पर्सन है, वो कुछ खर्चे अपने पर्सनल भी इसी में डालता जा रहा है, ठीक है ना। आप एम्प्लॉयज को 1 टी अलाउ करते हो पर डे, और कैंटीन का जो भी एक्सपेंडिचर है आप रीइंबर्स करते रहते हो, पेटी कैश में डालते रहते हो, लेकिन उसका कोई अपना पर्सनल बंदा आ गया मिलने, या वो खुद ही दिन में 4 बार चाय पी लेते हैं, तो खर्चा तो बढ़ रहा है ना बच्चे। सो ये जो छोटी छोटी अप्रोप्रिएशन है, छोटे छोटे फ्रॉड्स है, उस पर कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि आप हर बार पैसा एनालाइज कर रहे हो कि ये किस किस जगह पे खर्च हुआ। स्टेशनरी है, मान लो किसी पीरियड में स्टेशनरी ज्यादा आ गई, तो समझना पड़ेगा ना क्यों ज्यादा आई है, आप चेक कर लोगे, और वो तो पीरियड वाइज है, पीरियड वाइज क्या कंपेरिजन इजी हो जाते हैं, ठीक है ना। सो कंट्रोल हो जाते हैं आपके एक्सपेंसिस पे, फ्रॉड को, मिस अप्रोप्रिएशन को, इसे फ्रॉड थोड़ा हार्श वर्ड हो जाता है, बट मिस अप्रोप्रिएशन पे भी कंट्रोल हो जाता है। मिस अप्रोप्रिएशन थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड है, कि पैसा गलत जगह लग गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स, कोई गलती हो गई है तो वो भी फट से पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि आपको पीरियोडिकली स्टेटमेंट कंपाइल करनी है। मान लो कहीं आपने अमाउंट गलत लिख दिया, कहीं टोटलिंग में मिस्टेक हो गई, तो 1 वीक के बाद जब आप टोटल करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये सब चीजें इसमें पॉसिबल हैं, जो सिंपल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको दोनों सिस्टम्स में डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस कैसे होगा, नंबर वन होगा डेफिनेशन, ठीक है ना। नंबर टू क्या होगा, फिक्स्ड पीरियड, फिक्स्ड पीरियड ऑफ स्टेटमेंट। सिंपल में कोई पीरियड फिक्स नहीं है, जब खर्चा खत्म हो गया, पैसे खर्च हो गए, आप आ जाओगे, ये लो भाई पैसे खर्च हो गए, आप बोला दो। यहां तो आपको स्टेटमेंट बनानी ही पड़ेगी पीरियोडिकली, जो पीरियड फिक्स हो गया, तो फिक्स पीरियड है। तो अब इस फिक्स पीरियड होने के बाद नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेटी कैश। पेटी कैश का अमाउंट फिक्स हो गया, एस्टिमेट कर लिया और उसके अकॉर्डिंगली फिक्स कर दिया अमाउंट। अब जब आपने अमाउंट भी फिक्स कर दिया, टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया, तो अब उसके बेनिफिट क्या मिलेंगे, ये तीनों आपके बेनिफिट मिलेंगे। तो ये नेक्स्ट क्या है, ऑल थ्री एडवांटेजेस, यही डिफरेंस है। फर्स्ट सिस्टम में कंट्रोल नहीं कर सकते पेटी एक्सपेंसेस, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होगी, कोई 10 दिन की इन्फॉर्मेशन है, कहीं 2 दिन की इन्फॉर्मेशन है, कहीं 15 दिन बाद आ रहा है, तो कैसे कंपेयर करोगे। यहां कर सकते हो, कंट्रोल ओवर फ्रॉड वहां पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं का मतलब है कि डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। ऑफकोर्स तुम बैठ जाओ अपनी स्टेटमेंट को लेकर, पर डे पर वीक के हिसाब से उसको ठीक करने बैठोगे तो हो जाएगा, बट जब आप उसको वीकली या पीरियोडिकली बनाओगे तो एक्चुअली आप यहां आ गए हो ना, फिर आप वहां नहीं हो। कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स वो यहां मुश्किल हो जाती है ढूंढनी। तो ये जो तीनों एडवांटेजेस हैं, तो वो 4, 5, 6 ये तीनों यहां पे आपके डिफरेंसेस में आ जाते हैं। डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, जो एक में है दूसरे में नहीं है। तो जिसके हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हम एज अ डिफरेंस भी लिख सकते हैं। और फाइनली एक और बात है, मेंटेनिंग द बैलेंस। ये जो तीन कंपोनेंट थे ना आपके पेटी कैश के, इम्प्रेस्ड सिस्टम के, वो तीनों कंपोनेंट इसमें डिफरेंस है। पहला कंपोनेंट क्या था, पीरियड, फिक्स अमाउंट, एक अमाउंट, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेंटेनिंग पेटी कैश बैलेंस और रीइंबर्समेंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये तो नॉलेज की बात हुई कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो हमें समझ में आया। अब अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल में होगा तो कैसे करेंगे। प्रैक्टिकल में क्या है, जैसे मान लो मैंने ये स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है ना। अब इस स्टेटमेंट में आपके पास पेटी एक्सपेंसेस है, आपने सारी स्टेटमेंट बना दी, लिख दिए सारे। अब अगर ये सिंपल सिस्टम है, तो सिंपल सिस्टम में क्या होगा, आप यहां पर बैलेंस लिखोगे और यहां बात खत्म, ये बैलेंस आ गया, दैट इज द एंड, क्योंकि इसमें सिस्टम नहीं है ना, जो बच गया वो दिखा दोगे बस।
और इम्प्रेस सिस्टम में क्या होगा, आपको खुद से एक स्टेप लेना होगा, क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि बैलेंस मेंटेन करना है, रीइंबर्समेंट करनी है, तो जितना खर्चा हुआ है वो आप पेटी कैशियर को दे दोगे। तो ये आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन नहीं कहेगा, ये आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये इम्प्रेस्ड सिस्टम है। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम में हमें खुद से जितना स्पेंडिंग हुआ वो सारा हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है, और हमारा टोटल बैलेंस देखोगे तो वो वापस 10,000 आ जाएगा। सो आई होप दिस सिस्टम ऑफ पेटी कैश इज क्लियर। अब जब मैं बच्चे इसमें समझाती हूँ तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, बिकॉज माई एम इज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, ना कि आप चीजों को रट्टा लगाएं, ठीक है ना। सो कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन रीडिंग थिंग्स एंड स्टे हैप्पी, इट विल हेल्प। थैंक यू।